बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का छक्का बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली में नई शराब नीति का आए दिन विरोध हो रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां व कई संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं, अब वहीं व्यापारियों का भी गुस्सा फूट पड़ा है और वह भी शराब कंपनियों के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में कुतुब रोड चौक पर शराब के ठेके के बाहर व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो रेजिडेंस एरिया के साथ साथ धार्मिक स्थलों और स्कूल के पास भी ठेके खोल दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंपनियां अपने शराब की सेल बढ़ाने के लिए लोगों को ऑफर दे रही हैं, जिससे बड़ी बड़ी लाइनें शराब के ठेकों को बाहर लग रही है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ और शराब की दुकानों के खिलाफ, देखिए दिल्ली को शराब में डुबोया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दिल्ली के लिए कि जिस प्रकार आप लोग एक तरफ से कहते हैं पंजाब को नशा मुक्त देंगे और दूसरी तरफ दिल्ली में इस प्रकार की शराब बसोर के क्या साबित करना चाह रहे हो। आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, कहीं पर जगह जगह ठेके खोल रहे हो, जो भी रेसिडेंस एरिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, वहाँ पर ठेके खोल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि दिल्ली वाले सारे शराबी हैं। आज देखिए सुबह 6 बजे से कैसे लाइनें लगी हुई हैं, लेबर अपना काम का छोड़ के, अपनी दुकान का काम का छोड़ के, फैक्ट्रियाँ छोड़ के यहाँ पर ठेकों में लग गई है और इससे क्राइम बढ़ेगा। आने वाले समय में लोग बेरोजगार होंगे, वैसे भी काम का नहीं है और इस प्रकार सरकार नीति अपना के बहुत ही गलत मैसेज दे रही है। ये देश की राजधानी है और इसमें ऐसा हालत हो गए तो आने वाले टाइम में क्राइम संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार भी जो रणनीति अपना रही है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को तो अपना बेनिफिट हो गया, मगर जो जनता है वो शराब की दुकानों पर नजर आएगी। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो आप जनता इस समय, जनता क्या जो भी लोग हैं बेचारे लेबर तक, वो इधर उधर से उधार पैसे लेकर शराब के ठेकों पे पहुंच रहे हैं कि हमें ये सस्ती मिल रही है। ये नहीं जानते ये अपने हाथ से अपना जहर खरीद रहे हैं, अपनी मौत खरीद रहे हैं, मगर सरकारें ये खुद परोस रही है। सबसे बड़ी बात तो है सरकारें खुद परोस रही हैं, ये कैसे जो भी कंपनी ऐसी स्कीम लाती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके लाइसेंस कैंसिल हो, नहीं तो हमारा ये आंदोलन ये समझिए कि पूरे दिल्ली में चलेगा। हम कोर्ट भी जाएंगे, LG के पास भी जाएंगे। आप लोग व्यापारी भी हैं और व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के साथ ही जुड़ कर काम करते हैं, जो आप लोगों के जो कर्मचारी है मजदूर है वो क्या इन शराबों की दुकानों को भी नजर आ रहे हैं? अब वो देखिए आप ये सारे वो कौन है, कर्मचारी है, लेबर ही है, हमारे लोगों की लेबर है, जो ठेले वाले हैं, दुकान के लेबर है, दुकान पर लड़के नहीं आ रहे, फैक्ट्रियों पर लड़के नहीं जा रहे, लेबर नहीं जा रही कि शराब के ठेकों में, और अगले दिन पी के सोए रहते हैं कि फ्री की है, काम काज में तो आ ही नहीं रहा कोई भी। सर क्या आने वाले MCD के चुनाव में क्या इससे फर्क पड़ेगा सर? सरकार बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये केजरीवाल सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इस प्रकार की शराब नीति अपनाकर वो सोच रहे हैं कि दिल्ली में जीत जाएंगे। आम जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी कि हमारे घर की महिलाएं इतनी तंग आ चुकी हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया, जगह जगह लोग शराब के ठेकों पे खड़े होते हैं, जेलखानी शुरू हो गई है और क्राइम बढ़ गया है। तो इस प्रकार की हरकतें होंगी तो केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम वोट ले लेंगे, कभी वोट नहीं मिल पाएगी इनको। स्पेशल नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के लोगों को बर्बाद मत करो, बंद करो, बंद करो। देखिए हमने केजरीवाल जी को एक पत्र भी लिखा था, LG साहब को भी लिखा था,
कि दिल्ली को जो शराब के सागर में डुबोने की आप तैयारी कर रहे हैं, ये दिल्ली के हित में नहीं है किसी भी तरीके से। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, जागरूक मुख्यमंत्री, और दिल्ली की जो जनता है वो भी जागरूक है। वो देख रही है कि आज हमारे लेबर जो अपनी दुकानों से, फैक्ट्रियों से काम बंद करके यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और ये शराब जो है ये लोग इकट्ठी कर रहे हैं, फिर ये ब्लैक में देंगे। ये नीति ठीक नहीं है। हमारी फेडरेशन सदर बिहार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी ने फेडरेशन में एक प्रस्ताव पास किया कि हम इसका विरोध करेंगे। हमने इसका विरोध का पत्र सभी डिपार्टमेंटों को भेजा, और अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो निश्चित तौर से हम मार्केट भी बंद करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और एलजी साहब के सामने धरना देंगे। ये सभी जो हमारा जो एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है वो हम पूरा करते हुए, लेकिन शराब के सागर में दिल्ली को नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे। ये फेडरेशन ऑफ सदर बिहार का दृढ़ निश्चय है।